अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम कॉटन का ब्लैक कलर बना रहे हैं। डायरेक्ट का ब्लैक है। आज हमारे कारीगर नहीं आए, आज हम हेल्पर से काम ले रहे हैं। ये उन्नाबी कलर है, उन्नाबी 145 ग्राम डाल दो। आज हम हेल्परों से काम ले रहे हैं। अच्छा, इसके बाद ये ब्लू डालो, 145 290 हो जाएगा। हाँ, आ रहा हूँ, 290 कर दो ब्लू डाल के। रहने दो। अब इसमें 20 ग्राम लाल लगा दो सुर्खी के लिए, 310 हो जाएगा। सही है, 80 ग्राम। एक काम करो आप, ब्लू कितना दिया अभी? 180 अलग रखा हुआ है, 180 दिया है ना, 145 दिया ना, 145 में ब्लू माइनस कर दो, उसमें सही निकाल लो। किधर डाला हुआ? ये और निकालो। पच्चीस ग्राम माइनस हो गया। और एक काम करो, इसमें डाल दो जामनी, डाल दो वॉलेट, ये डाल लो 145, 100 और डालो। सारा डाल दो, 375, 25 ग्राम और डाल दो। हैं ये रहने दो, जामनी ये रहा। कितना आएगा? जामनी रहने दो, बोल के काला डाल दो। कितना? 400। ये कितना हो गया? ये 375, 400 डाल दो, 775 हो जाएगा। ये ब्लैक डाल लें। आ रहा हूँ, हाँ बेटा आ रहा हूँ। सारा डालो और डालो। सौ ग्राम और डालेगा तकरीबन, 760, 70, 10 और डाल दो, भले 80 कर दो, बस सही है। ये हमारा कलर हमने बना के डाला है, डायरेक्ट का कलर चढ़ता नहीं है, तो हम इस कलर बना के डाला। और बाकी हम इसमें ना NaCl ऐड करेंगे, तकरीबन 1200 ग्राम, 1100-1200। आज हमारे कारीगर नहीं आए, रईस कारीगर। आज हम हेल्परों से काम ले रहे हैं। ये देखें, 1200 में 80 ग्राम का में, ये तकरीबन 1215 ग्राम NaCl ले लिया। डाल दो सारा, ये हमने NaCl डाल दिया, इसमें डायरेक्ट का ब्लैक बन रहा है। और ये चादरें हमारी,
जो हमने टाइंग करी हुई है, ये देखें ये पड़ी हुई। और नोमी माल लेकर आना, ये हमारी चादर है, ये ब्लैक बना हुआ है, ये इन्होंने हिला लिया, इसका टेम्परेचर तकरीबन 95 डिग्री है। ये देखें फैब्रिक लेकर आ गए, ये देखें ये जरी है, बॉर्डर पे जरी है और यहाँ से प्लेन है। अब ये देखें ये ऐड कर रहे हैं, ये इसमें फैब्रिक डाल लें, ये डायरेक्ट का ब्लैक बन रहा है और एक होता है सल्फर का ब्लैक भी, सल्फर के ब्लैक में सोडियम का इस्तेमाल होता है और सल्फर का कलर यूज़ होता है। ये 190 ग्राम की चादर है, ये 80 चादरों का कलर डाला है, इसमें 80 चादर आ गई है हमारे। अब ये देख रहे हैं वक्त वक्त से क्या लगा रहे हैं, ये अपनी चाल बराबर करेंगे और इसको तकरीबन आधा घंटा इसका दुरानिया वक्फा है, आधे घंटे तक इसको टेम्परेचर दिया जाता है, वक्फे वक्फे से हिलाया जाता है ताकि कलर की फिक्सेशन हो जाए अच्छी तरीके से। भाई आधे घंटे बाद फिर इसको निकाला जाएगा, निकालने के बाद ये हमारा हेड्रो के लिए पड़ा हुआ है, ये हेड्रो में जाता है, हेड्रो के बाद ये हेड्रो के बाहर आ गया हमारा फैब्रिक, फिर ये सुखाई पे जाता है, फिर ये फिनिशिंग होती है, कैलेंडर होता है। ये देखें भाई हमने लाइट कलर निकाले हैं सारे, हमारा लाइट कलर का माल है, ये साड़ियों का माल है, जितने भी लाइट कलर है ये डबल कलर बनेंगे इसके, अभी सिंगल कलर कर रहे हैं, बाकी अगले दिन हम डबल कलर करेंगे। बाकी इसी तरीके की मेरी वीडियो आप देखते रहें, मेरे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियो आसानी से मिल सके।